नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मौजूद हूँ मैं राजधानी दिल्ली के नरेला वार्ड नंबर एक में। नरेला वार्ड नंबर एक में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्वेता कमल खत्री जी को अब की बार ऐसा लग रहा है कि नरेला से पूरा समर्थन जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ कमल खत्री जी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या नरेला में झाड़ू चलने वाली है। सबसे पहले दिल्ली समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार, और बिल्कुल 100% झाड़ू नरेला नहीं पूरी दिल्ली में चलने वाली है। क्या लगातार बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, कह रही है कि आम आदमी पार्टी की नई नई वीडियो जो है वो निकल के आ रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ उनके पास कुछ है तो हाथ नहीं, वो तो कुछ ना वो तो आरोप प्रत्यारोप जो वो लगा रही है इसलिए क्योंकि कुछ काम उन्होंने 15 साल में कुछ किया ही नहीं है, तो उनके पास और है क्या? ये अब यही चीज़ है आरोप लगाने और कुछ ये नहीं। जो वीडियो निकल के आ रही है उसके ऊपर भी काफी जो है वो नरेला के कुछ नेता बार बार हिंट दे के बार बार जनसभाएं कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? मैं इतना कहना चाहता हूँ ये सिर्फ एक राजनीति जानते हैं धर्म के नाम पे, ये भाई को भाई से लड़ना जानते हैं और कुछ नहीं है इनके बस की, इन्होंने कुछ काम धंधा किया नहीं है बस ये है। अगर आम आदमी पार्टी से श्वेता कमल खत्री विजयी होती है और ताज जो है वो उनके सिर पर आता है तो सबसे पहले क्या कार्य रहेगा आपके द्वारा? सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है भ्रष्टाचार मुक्त नरेला, भ्रष्टाचार मुक्त MCD और जाम की समस्या उस पर भी हमें काम करना है। पानी की समस्या रहती है और आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे पाना पपोस में बहुत सारे आवारा पशु हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने अपना सोच रखी है कि इन पर काम करना है। भ्रष्टाचार के ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि लगातार जो है वो देखा गया है कि बिल्डिंगें बन रही है उनके ऊपर भी बार बार जो है वो वहाँ पर MCD के अधिकारी पहुँच जाते हैं, कुछ और लोग पहुँच जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ जब श्वेता जी आ जाएंगी यानी हमारी सरकार आ जाएगी तो ये है कि एक भी जो भी बिल्डिंग बन रही है एज पर गाइडलाइंस जो MCD के अंदर जो हमारी दिल्ली सरकार की जो भी कॉलोनियां पास है उनके अंदर एक रुपया किसी से लिया नहीं जाएगा ना दिया जाएगा किसी को। जी क्या लगता है पूरा समर्थन वार्ड नंबर एक से मिल रहा है आपको? आप देख सकते हो कितना प्यार और सम्मान मेरे को मिल रहा है, इतने सारे भाइयों का समर्थन मेरे साथ है और पूरे नरेला का समर्थन है, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ इतने प्यार सम्मान के लिए और चाहता हूँ कि आगे भी उनका प्यार स्नेह बना रहे। तो झाड़ू चलने वाली है 101% झाड़ू चलेगी। क्या लगता है साफ सफाई एक अहम मुद्दा है और साफ सफाई के लिए जो है वो जनता दर बदर भटकती रहती है लेकिन दिल्ली में साफ सफाई नहीं हो पाती है। आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है तो लगता है कि इतनी बड़ा जो काम है, इतनी बड़ी जो दिल्ली है आपका जो वार्ड है उसमें साफ सफाई होगी? देखिए 100% सफाई होगी, उसकी वजह क्या है? भ्रष्टाचार, क्योंकि जो पहले जो सिस्टम था वो सब बदलना पड़ेगा हमें, जो अगर हम पैसे लेंगे नहीं तो सभी जितने कर्मचारी उनको काम करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे जो मेरे को पता है कि बहुत सारे कर्मचारी की जो सैलरी तो आती है लेकिन अधिकारी और कुछ नेतागण उसको बांट के खा जाते हैं, तो हम 100% मैं श्योर आपको श्योरिटी देता हूँ कि 100% सफाई भी होगी और सारे काम होंगे। क्या लास्ट में क्या कहना चाहते हो वार्ड नंबर एक की नरेला की जनता से? अपना प्यार बनाए रखे और 4 तारीख को 4 नंबर का बटन है श्वेता जी का और इसको प्यार को जो है उसके सम्मान में जो भी है 4 नंबर का बटन दबा के और अपना क्षेत्र का विकास कराइए। क्या लग रहा है भाई साहब आपकी बार कमल खत्री को जो है वो नरेला की जनता साथ दे रही है? बिल्कुल दे रही है भाई साहब, जा रहे हैं वहाँ भारी, मतलब लोग खुश हर्षोल्लास से स्वागत कर रहे हैं, हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा स्वागत। अच्छा जो लग रहा है आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो काम करेगी? बिल्कुल आएगी भाई साहब, 101% आएगी। क्या भैया लग रहा है अगर आम आदमी पार्टी आती है वार्ड नंबर एक से तो काम किए जाएंगे? भाई साहब एक से तो जीत पूरी है, 100% झाड़ू चल चुकी है और पूरे दिल्ली में 200+ हमारी आम आदमी पार्टी की सीट आ रही है और बीजेपी की जो घरा भरा था ना वो अब घरा फूटने वाली है 4 तारीख को। आज 7 तारीख को आपको दिखा देंगे कि MCD की अपना सरकार रहेगी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, MCD में केजरीवाल की सरकार। कमल खत्री जी बार बार 15 साल से लगातार बीजेपी की सरकार थी और बार बार उनका कहना है कि हमने विकास किया है। आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र में कहाँ विकास कहाँ किया है, कुछ नहीं किया, नालियाँ भरी हुई है, रोड टूटे हुए हैं, पार्कों का सौंदर्यकरण कुछ नहीं हुआ, सब मैं बता तो रहा हूँ कुछ नेतागण और कुछ अधिकारी जो पैसा बोल दिया कि दिल्ली सरकार की तरफ से पैसे नहीं आ रहे, केजरीवाल हमारे को पैसा नहीं दे रहा इसलिए काम अटक जाते हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, हुआ वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कुछ नहीं है। कुछ काम कराया तो आप काम तो बताओ, गिनवाओ सही क्या कराया उन्होंने पिछले 15 सालों में? कुछ नहीं कराया, टोटली लोगों का बेवकूफ, लोगों का शोषण हुआ है, मैं इतना कहूँ शोषण हुआ लोगों का। हाँ जी, यदि दिल्ली में बीजेपी यदि विकास करता तो पूरे केंद्रीय मंत्री, पूरे इनका सांसद और बड़े बड़े लीडर दिल्ली में, MCD एक लोकल चुनाव MCD की होती है, उसमें पूरी अपनी ताकत लगा रखा है जीत के लिए, लेकिन उसके सारे की ताकत सारे फिर जाएगा इस बार और झाड़ू चल चुकी है, उसमें कोई रोक नहीं है, झाड़ू से ही सफाई करेंगे दिल्ली को। क्या लग रहा है आपकी बार पूरी दिल्ली में झाड़ू चल चुकी है? चल चुकी है, रोकने वाला नहीं है, चल चुकी है झाड़ू, इसीलिए
यदि 15 साल वो काम करता तो बीजेपी की पूरे लीडर, पूरे केंद्रीय मंत्री, पूरे सांसद, पूरे जी जान लगा कह रहे 15 साल हमने बहुत विकास किया है, तो काम करता तो क्या जरूरत था केंद्रीय मंत्री को, जेपी नड्डा साहब को, मनोज तिवारी सबको क्या जरूरत था दिल्ली एक एमसीडी चुनाव के लिए इतने जी जान लगाने की। ये तो जो निगम पार्षद प्रशासी है वो खुद जीत जाता है, ये तो लोकल चुनाव है, जो कि केंद्रीय मंत्री आकर वोट मांग रहे, घर घर जा रहा है। हरियाणा के सीएम भी पहुंचे हैं, सारे हरियाणा के पहुंचे हैं, ये एमपी के पहुंचे हैं, ये सारे सीएम अनुराग ठाकुर पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा घर घर जा रहा है। कमल जी, हरियाणा के सीएम जो वो इतने छोटे से इलेक्शन में आते हैं तो क्या देखने को मिलता है? मैं तो इतना कहता हूँ जी, बस इतना कहना चाहूँगा कि अगलों के ये समझ लो पंखे फेल हो चुके हैं, पंखे फट चुके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने देखा सीएम साहब की जो रैली हुई थी उसमें कितने आदमी, तो सबको पता है। तो मैं तो कहूँ फ्लॉप शो था वो टोटली। और बचपन में वो झाड़ू लेके पंखे को रोक देते थे, उस तरीके का काम हो गया। बिल्कुल वही काम हुआ है और होने भी जा रहा है अभी 7 तारीख को, आप देख लें बिल्कुल होने जा रहा है। तो देख सकते हैं नरेला वार्ड नंबर 1 से हमारे साथ कमल खत्री जी मौजूद थे, इनकी पत्नी जी जो है वो श्वेता कमल खत्री, उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि नरेला वार्ड नंबर 1 की जनता के साथ हमने कुछ बातचीत भी की। फिलहाल ये 4 तारीख को जो है वो वोट गिरेगी और 7 तारीख को आने वाला समय बताएगा कि क्या झाड़ू चलेगी या कमल का फूल खिलेगा। हालांकि अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लहर जो है वो आम आदमी पार्टी की लगातार नरेला वार्ड नंबर 1 से। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनीतु सिंह, दिल्ली समाचार।